आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ वन और मोर सिम्टम्स सजेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय एनी नॉन न्यूरोलॉजिकल और मेडिकल डिसऑर्डर। कहने का मतलब कन्वर्जन डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ वन और मोर सिम्टम्स, मतलब इसमें एक या एक से अधिक सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं सजेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और ये जो एक दो सिम्टम्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि इन्हें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। That cannot be explained by any known neurological or medical disorder. भले ही एक या अधिक जो symptoms show हो रहे हैं वो suggest कर रहे हैं कि neurological disorder है, लेकिन जब हम इसको जांच करते हैं, investigation करते हैं, examination करते हैं, तो ऐसा कोई भी medical और neurological disorder नहीं मिलता है। मतलब कोई भी इनको बीमारी नहीं होता है। neurological disorder का मतलब होता है जैसे कि brain tumor, cerebral palsy, मतलब न्यूरॉन्स में कुछ डैमेज होना, खराबी होना, ऐसा ये सजेस्ट करता है। लेकिन ऐसा कुछ भी चेक करने पे, जांच करने पे, एग्जामिनेशन करने पे, इन्वेस्टिगेशन करने पे हमको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है, तो इसे हम कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर कहने से मतलब क्या हुआ कि इसमें ब्रेन में कोई भी डैमेज नहीं होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होता है, उसके बावजूद भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ऐसा हमें सिम्टम्स लक्षण देखने को मिलेगा। इंस्टेड साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइक स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट आर एसोसिएटेड विथ ऑनसेट ऑफ सिम्टम। इंस्टेड मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बजाय साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट जो है सिम्टम्स को शुरू करते हैं। मतलब कहने का जो सिम्टम्स जो लक्षण व्यक्ति में शो हो रहे हैं वो स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट के वजह से होता है, ना कि किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से। पेशेंट्स आर अनअवेयर ऑफ साइकोलॉजिकल बेसिस एंड आर थस नॉट एबल टू कंट्रोल देयर सिम्टम्स। कहने का मतलब पेशेंट अनअवेयर रहता है कि साइकोलॉजिकल बेसिस पे ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट के वजह से ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, ये लक्षण शो हो रहे हैं, एंड आर थस और इसलिए नॉट एबल टू कंट्रोल देयर सिम्टम, अपने सिम्टम्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर को एग्जाम्पल के साथ और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आपको अभी तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसमें कोई भी ब्रेन से रिलेटेड बीमारी नहीं होता है पेशेंट को, लेकिन इसमें जो सिम्टम्स शो होते हैं, लक्षण शो होते हैं, वो ब्रेन में बीमारी है ऐसा सजेस्ट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखिए, मान लो एक क्रूर सास है, अत्याचारी सास है, जो अपने बहू पे बहुत अत्याचार करती है, बहुत काम करवाती है। इस वजह से बहू जो है बहुत परेशान रहती है, बहुत दुखी रहती है, और वो अपना दुख किसी से शेयर नहीं कर पाती, तो भावनाएं दब जाती है। उसको दिन भर घर का काम करना पड़ता है और अपनी सास का भी सेवा करना पड़ता है, जबकि वो ये सब नहीं करना चाहती। इस वजह से क्या होगा, जो बहू है उसके में बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आने लगेगा। टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, एंजाइटी, स्ट्रेस आने की वजह से वो बहुत दुखी हो जाएगी, और ये ब्रेन में इतना पावरफुल एनर्जी की तरह काम करेगा कि जब भी उस बहू को काम करने के लिए बोला जाए तो उसका हाथ या पैर में पैरालिसिस हो जाएगा, मतलब उसका हाथ पैर बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। अब हाथ पैर का पैरालिसिस होना कोई नॉर्मल सिम्टम तो है नहीं, कोई नॉर्मल लक्षण तो है नहीं, इसलिए जब वो बहू डॉक्टर के पास जाएगी और जब उसका जांच होगा, जब टेस्ट होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, तो कोई भी डिसीज नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी है ही नहीं। ये जो हाथ और पैर में पैरालिसिस हुआ है, जो हाथ पैर उसका काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, ये साइकोलॉजिकल बेसिस पे हुआ है, स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट के वजह से हुआ है। उसका हाथ पैर क्यों काम नहीं कर रहा है इसके बारे में बहू को बिल्कुल भी पता नहीं होता है, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करती है। ब्रेन में जो दबी हुई भावनाएं हैं उसके वजह से ऐसा होता है, पर एक्चुअल में वो जानबूझ के ऐसा नहीं करती है, क्योंकि बहू को ये पता नहीं है कि उसका हाथ और पैर में पैरालिसिस क्यों हो रहा है, उसका हाथ और पैर काम क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए वो खुद से सिम्टम्स को, लक्षण को कंट्रोल नहीं कर पाती है। उस बहू को ये पता ही नहीं होता है कि ये स्ट्रेस और एंजाइटी के वजह से हो रहा है। इससे बहू को क्या फ़ायदा होता है कि उसका एंजाइटी कम होता है, क्योंकि जब उसका हाथ और पैर पैरालिसिस हो जाएगा तो उसको कोई भी काम ही नहीं करना पड़ेगा, तो ये बेनिफिट मिलता है जो बहू है उसको। तो आपको कन्वर्जन डिसऑर्डर का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी कन्वर्जन डिसऑर्डर को पहले हिस्टेरिया के नाम से जाना जाता था। तो अब हम कन्वर्जन डिसऑर्डर का साइन एंड सिम्टम्स को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या लक्षण शो होते हैं। पहला है प्राइमरी गेन, द सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज दे रिड्यूस द एंजाइटी ऑफ अ पेशेंट बाई कीपिंग द साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आउट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। कहने का मतलब सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, शो होते हैं,
क्योंकि ये पेशेंट के एंजाइटी को कम करता है, रिड्यूस करता है। जो सिम्टम्स जो लक्षण शो हो रहे हैं वो पेशेंट के एंजाइटी को रिड्यूस करेगा, क्योंकि उसको अब कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। इसलिए जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हैं वो कॉन्शियस अवेयरनेस से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि अब काम ही नहीं करना पड़ेगा तो टेंशन कहाँ से रहेगा। तो ये जो उसके माइंड से टेंशन कम हुआ, एंजाइटी कम हुआ, तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी गेन। मतलब उसके कॉन्शियस अवेयरनेस से, दिमाग से ये बात निकल गया है कि मुझे काम करना है, और वो टेंशन फ्री हो गई है। दूसरा सिम्टम्स है सेकेंडरी गेन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अ वुमेन हु डेवलप्स साइकोलॉजिकल पैरालिसिस ऑफ द आर्म मे एस्केप फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ एन एल्डरली रिलेटिव्स। मतलब एक वुमेन जो साइकोजेनिक पैरालिसिस ऑफ आर्म हो गया है, मतलब उसके हाथ में पैरालिसिस हो गया है, तो वो एस्केप कर लेगी टेकिंग केयर ऑफ एल्डरली रिलेटिव्स। जो भी घर में ओल्ड पर्सन है, ओल्ड व्यक्ति है, उनका केयर अब उसको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसका हाथ ही काम नहीं कर रहा है पैरालिसिस होने की वजह से। तो ये जो बेनिफिट मिला, फायदा मिला, इसको बोलते हैं सेकेंडरी गेन। प्राइमरी गेन का मतलब ये होता है कि उसके माइंड से टेंशन खत्म हुआ, और सेकेंडरी गेन का मतलब ये हुआ कि उसको अब काम नहीं करना पड़ेगा, ऊपर से लोग उस पर और ज़्यादा ध्यान देंगे, उसका ख्याल रखेंगे। मतलब उल्टा फायदा होगा, इसी का ख्याल रखेंगे, इसी का ध्यान रखेंगे लोग। थर्ड सिम्टम है द पेशेंट डज नॉट प्रोड्यूस द सिम्टम्स इंटेंशनली। मतलब कहने का पेशेंट जो है जानबूझ के ऐसा नहीं करती है, जानबूझ के ये सिम्टम्स को डेवलप नहीं करती है। चौथा सिम्टम है द पेशेंट सो लैक ऑफ कंसर्न अबाउट द सिम्टम्स कॉल्ड एज ला बेले इनडिफरेंस। मतलब जो पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट पे कोई भी ध्यान नहीं रहता, उसको मतलब ही नहीं रहता है ट्रीटमेंट हो चाहे मत हो, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए। बहुत कम ध्यान रहता है कि मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि अगर वो ठीक हो जाएगी तो फिर से उसे ओल्ड पर्सन का ध्यान रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। पांचवा सिम्टम है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन डू नॉट रिवील एनी मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज। मतलब जब हम इसका फिजिकल एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कोई भी मेडिकल या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होता है, न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज नहीं होता है। छठवां सिम्टम्स है लैक ऑफ कॉन्शियस कंट्रोल ओवर द सिम्टम। मतलब वो खुद से सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है। इम्पेयर्ड फंक्शनिंग इन सोशल वर्क। ये जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं इसके वजह से इम्पेयर हो जाता है फंक्शनिंग इन सोशल वर्क। जो भी उसके काम है उसको वो ठीक से नहीं कर पाती है। तो अब हम कन्वर्जन डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन को देखते हैं, जिसमें पहला है डिसोसिएटिव मोटर डिसऑर्डर, दूसरा है डिसोसिएटिव सेंसरी लॉस एंड एनेस्थेसिया, तीसरा है डिसोसिएटिव कन्वर्जन्स जिसे हिस्टेरिकल फिट्स और सीडो सीजर्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले डिसोसिएटिव मोटर डिसऑर्डर को देखते हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाई मोटर डिस्टर्बेंस लाइक पैरालिसिस और अबनॉर्मल मूवमेंट्स। इसमें मोटर डिस्टर्बेंस होता है। मोटर डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है, जो मूवमेंट है हमारे बॉडी में, जो हम हाथ को मूवमेंट करते हैं, ऊपर उठाते हैं, नीचे करते हैं, ये सब जो मूवमेंट है इसमें डिस्टर्बेंस होता है। किस तरह का मोटर डिस्टर्बेंस होता है, पैरालिसिस हो जाता है या फिर अबनॉर्मल मूवमेंट होता है। पैरालिसिस किस तरह का हो सकता है, मोनोप्लेजिया हो सकता है, पैराप्लेजिया हो सकता है और क्वाड्रीप्लेजिया हो सकता है। मोनोप्लेजिया का मतलब होता है एक हाथ का पैरालिसिस हो जाना, मतलब एक हाथ बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। पैराप्लेजिया का मतलब होता है कि दोनों पैर काम नहीं करेंगे, दोनों पैर में पैरालिसिस हो जाएगा। क्वाड्रीप्लेजिया का मतलब होता है दोनों हाथ और दोनों पैर काम नहीं करेंगे, चारों में पैरालिसिस हो जाएगा। एग्जामिनेशन रिवील्स नॉर्मल टोन एंड रिफ्लेक्सेस। जब हम इसका एग्जामिनेशन करते हैं तो मसल्स का जो टोन है और जो रिफ्लेक्सेस है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ये केवल स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट के वजह से हुआ रहता है, बाकी बॉडी में कोई भी खराबी नहीं रहता है। उसके बाद दूसरा कन्वर्जन डिसऑर्डर है डिसोसिएटिव सेंसरी लॉस एंड एनेस्थेसिया। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाई सेंसरी डिस्टर्बेंस लाइक हेमी एनेस्थेसिया, ब्लाइंडनेस, डिफनेस, अब्सेंस ऑफ सेंसेशन एट रिस्ट एंड एंकल्स। मतलब इसमें क्या होता है, सेंसरी डिस्टर्बेंस होता है। मैंने आपको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में बताया था कि सेंस हमारे पाँच हैं, जैसे स्किन, ईयर, नोज, आई एंड टंग। तो इसमें से किसी में भी डिस्टर्बेंस होगा, जैसे कि हेमी एनेस्थेसिया हो जाता है। हेमी एनेस्थेसिया में एक साइड का बॉडी पूरी तरह से सेंसेशन लेस हो जाता है, उसमें बिल्कुल भी सेंसेशन नहीं आता, मतलब एक तरह से पैरालिसिस हो जाता है पूरा बॉडी के एक साइड में। और ब्लाइंडनेस हो सकता है, मतलब वो अंधा हो सकता है, और डिफनेस हो सकता है, वो बहरा हो सकता है, और अब्सेंस ऑफ सेंसेशन एट रिस्ट एंड एंकल।
रिस्ट और एंकल पे भी सेंसेशन जो है एब्सेंट हो सकता है। अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन डज नॉट रिवील एनी अबनॉर्मलिटीज, मतलब जब हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कोई भी अबनॉर्मलिटीज हमको नहीं मिलता है। तीसरा है डिसोसिएटिव कन्वर्जेंस, जिसे हिस्टेरिकल फिट्स और सीडो सीजर्स भी कहते हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाई कन्वल्सिव मूवमेंट्स एंड पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब इसमें कन्वर्जन में जो सिम्टम्स शो होते हैं वैसा ही सिम्टम इसमें भी शो होता है। आप मिर्गी वाले पेशेंट को देखे होंगे, उस तरह का सिम्टम्स इसमें शो होता है। लेकिन आप डिफरेंस को समझ लीजिए कि जो एपिलेप्टिक सीजर होता है और डिसोसिएटिव कन्वर्जन होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। अगर ओरिजिनल सीजर रहेगा तो उसमें जीप कट सकता है, टंग बाइट हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं होता है ऐसा। और जो ओरिजिनल सीजर होता है वो कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और जो डिसोसिएटिव कन्वर्जन है ये कोई सेफ एरिया में ही होगा जहाँ पे उसको चोट मत लगे, या घर में होगा या फिर किसी सेफ जगह में जहाँ उसको कोई भी नुकसान ना हो, जहाँ पेशेंट को कोई भी नुकसान ना हो। जबकि ओरिजिनल सीजर कहीं भी हो सकता है और उसको चोट भी लग सकता है। ओरिजिनल सीजर में यूरिन पास हो सकता है, स्टूल पास हो सकता है, लेकिन डिसोसिएटिव कन्वर्जन में बहुत रेयर है इसमें यूरिन और स्टूल पास नहीं होता है अधिकतर केस में। ओरिजिनल सीजर का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 70 सेकेंड तक हो सकता है, लेकिन जो डिसोसिएटिव कन्वर्जन है वो 20 सेकेंड से ले कर 13-14 मिनट तक हो सकता है। ओरिजिनल सीजर जो है कभी भी हो सकता है, अगर सोया हुआ है व्यक्ति तो भी हो सकता है, लेकिन डिसोसिएटिव कन्वर्जन सोते समय कभी नहीं होगा। ओरिजिनल सीजर में चोट लग सकता है पेशेंट को, लेकिन डिसोसिएटिव कन्वर्जन में चोट नहीं लगता है। बाई मिस्टेक उसको लग जाए लेकिन चोट नहीं लगता है, हमेशा ये कन्वर्जन सेफ एरिया में ही आता है। अगर चोट लगे तो बहुत रेयर है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हिप्नोथेरेपी, नार्को एनालिसिस, बिहेवियर थेरेपी और रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। अगर इसमें ट्रीटमेंट चलता है तो 2 वीक में इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा, मतलब पेशेंट 2 वीक में ठीक होने लगेगा। थैंक यू।